हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड इन फोटोशॉप। अगर आप फोटोशॉप में बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिएगा। इसमें हम एडोब फोटोशॉप के अंदर जो भी फोटो होगा उसका जो बैकग्राउंड है उसको हमें चेंज करेंगे, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो आपका जो फोटो है उस फोटो को यहाँ पे जो है इस फोटो को हम यहाँ पे रिमूव करके इस तरह यहाँ पे किए हैं। तो इस फोटो को हम आपको यहाँ पे ले आते हैं। तो इस फोटो को पहले हम क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस फोटो को हमने क्लोज कर दिए हैं। उसके बाद ये जो यही फोटो है उसके बाद इसे भी हम क्लोज कर लेते हैं। तो ये फोटो मेन फोटो है, आप देख सकते हैं इस फोटो को। जैसे आप सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो क्रॉप टूल है इस क्रॉप टूल को क्लिक करना है, और क्रॉप टूल को क्लिक करने के बाद इसे एक इस तरह साइज बना लेना है। माउस का आप जो लेफ्ट क्लिक है यहाँ पे जो क्रॉप टूल है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करना है पूरा, ठीक है। जितना आपको यहाँ पे इस तरह साइज देख लीजिएगा इतना, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ज़्यादा इधर भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप ऐसा करें यहाँ से जो है आप यहाँ पे जो साइज होगा आप 35 mm लिख दीजिएगा। 35 mm और यहाँ पे 45 mm, और यहाँ पे रेजुलेशन में 200 दे दीजिएगा। अब इसको ऐसा सिलेक्ट करना है, तो देख सकते हैं इतना सिलेक्ट हो गया। तो इस तरह आप इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे बीचों बीच होना चाहिए, ये जो बीच वाला जो देख रहे हैं नाक होना चाहिए। उसके बाद इसे आप यहाँ पे इस बटन से ओके कर देंगे, तो ये पे इतना क्रप हो गया। क्रप होने के बाद आपको यहाँ पे जो टूल होगा, सबसे अच्छा जो टूल है आपको इस पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे ये जो पंछी सा लग रहा है इस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ से पॉलीजेनिकल जो टूल है लेसो टूल है इसको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे इस बटन से यहाँ से जूम कर लेना है, इस तरह ये जूम हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे यहाँ जो फिर से उस पर क्लिक करना है इस टूल पे जो चिड़िया उड़ रहा है यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से ओके करेंगे। जो माउस का लेफ्ट बटन है उस बटन को क्लिक करते जाएंगे इस तरह, फिर यहाँ से इस तरह ओके ओके करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैं आप इस तरह बढ़ रहा हूँ, उस तरह आपको भी यहाँ पे बढ़ते जाना है। जहाँ से शुरुआत किए थे वहाँ से ला के आपको मिलाना होता है, पूरा देख लीजिए इस तरह करते जाइएगा इस तरह। अभी देख सकते हैं मैं इसे करते जा रहा हूँ, फिर से इस तरह करते जाऊँगा। उसके बाद यहाँ से इसको ज़रा सा इस तरह ऊपर करके यहाँ से इतना आने के बाद यहाँ से हम मिला देंगे इसे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मिल गया। अब इसे यहाँ से इस बटन की मदद से इसे क्लिक करके अल्ट बटन दबाएंगे और ये माइनस में हो जाएगा। अल्ट बटन दबा के रखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा इस तरह चलने लगा। उसके बाद आपको क्या करना है, डिलीट बटन दबा देना है। तो देख सकते हैं ये डिलीट हो गया। अगर नहीं होता तो कंट्रोल के साथ भी डिलीट बटन दबाएंगे तो काम कर जाएगा। जैसे आप डिलीट बटन दबा दिए उसके बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट पे जाना है और यहाँ पे डिसलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डिसलेक्ट हो गया। उसके बाद ये जो फ़ोटो है हमारा बन के रेडी है। अब इसे हम यहाँ से फाइल पे जाके न्यू क्लिक करेंगे और यहाँ से वाइट लेंगे। उसके बाद यहाँ पे A4 साइज़ यहाँ पे ले लेंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे साइड में ले आएंगे। उसके बाद इस टूल को यहाँ पे मूव टूल यहाँ पे ये जो है इस टूल को यहाँ से माउस का लेफ्ट क्लिक पकड़ के फिर राइट यहाँ पे छोड़ देंगे इस तरह। तो यहाँ पे आ गया। आप इसको इस तरह साइज को ज़रा सा इस तरह देख लेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑल्ट बटन दबा के रखेंगे और इस तरह आगे बढ़ते जाएगा। देखिए तो इस तरह यहाँ पे कर सकते हैं, डिलीट करना हो तो यहाँ से इस तरह डिलीट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए इस तरह हो जाता है, ठीक ना। अब इसको यहाँ पे फाइल पे जाके प्रिंट विथ प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस तरह हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके आगे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक ना। प्रिंट का जो सेटिंग आगे आपको बता दिए हैं अगला वीडियो में, वहाँ उसे देख लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कर दीजिएगा। इस तरह और भी वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटी दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।